हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत मॉड्यूल 6 की जो मुख्य प्रश्न उत्तरी है उसकी व्याख्या सहित उत्तर डिस्कस करेंगे। और मॉड्यूल 6 जिसका नाम है कला समेकित शिक्षा। तो यदि आपने इससे पहले की हमारी गतिविधि 1 और गतिविधि 3 मैं जो प्रश्न आए उनको यदि आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। साथ ही बताना चाहूँगा कि यदि आप आने वाले नोटिफिकेशन जो अन्य वीडियो इम्पोर्टेंट आते रहते हैं, साथ ही PDF और कोई आदेश चाहते हैं समय पर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के नीचे भी चलता हुआ आपको चैनल का नाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी 10 प्रश्न हैं उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिस्कस के करने के साथ साथ उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरी है 10 प्रश्न उनको हम लोग देखेंगे। तो ये पहला प्रश्न इसमें, हाँ, आपके जब आप इसे हल कर रहे होंगे, जब अपना प्रशिक्षण कर रहे होंगे उस दौरान जब आप अपनी प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये प्रश्न आपको आगे पीछे मिल सकते हैं, साथ ही इनके विकल्प ऊपर नीचे मिल सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसमें देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं। तो इसका उत्तर आपको इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें गतिविधि 1 व गतिविधि 3 के प्रश्नोत्तर हमने किए हैं, जिसका लिंक इस वीडियो में भी दिया गया है, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें जो गतिविधियाँ, कला समेकित शिक्षा की गतिविधियाँ हैं, उसमें जो वीडियो आपने देखा और साथ ही हमारा वीडियो देखा, तो उसमें जो ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं वो बारिश की ध्वनियाँ बनाई जा सकती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर है 4। अब देखते हैं नेक्स्ट और दूसरा प्रश्न इसका। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है। प्रदर्शन कला नहीं है, स्वाभिनय, अभिनय करना यानी स्टेज पर कुछ गायन करना या नृत्य करना या कोई भाषण करना या अन्य ऐसे कोई, तो ये क्या है, ये आपकी प्रदर्शन कला है, तो इसका ये उत्तर नहीं हो सकता है। जबकि हमें क्या चाहिए, प्रदर्शन कला नहीं है। संगीत और नृत्य मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रदर्शन कला के अंग हैं। चित्रकला जो है वो प्रदर्शन नहीं किया जाता है, वो उकेरी जाती है, यानी कि आप अपने विचारों भावों को पेपर के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा दिखा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है 4। अब देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। ये इसमें लिखा है, विकल्प पहला है सही, दूसरा है गलत, तीसरा है संभव नहीं, चौथा है केवल एक अवधारणा में। क्वेश्चन फिर से समझते हैं, कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। शिक्षक कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से हो या अन्य किसी माध्यम से हो, शिक्षक मूल्यांकन कर सकते हैं, तो इसका जो उत्तर, सही उत्तर है वो दूसरा है, यानी कि गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, समझने की कोशिश करेंगे, समेकित शिक्षा का अर्थ क्या है। समेकित शिक्षा, तो विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। कला एक विषय के रूप में नहीं लेना है, कला को एक माध्यम के रूप में लेना है, कला को एक टेक्निक के रूप में लेना है, एक टूल के रूप में लेना है, एक शिक्षण विधि के रूप में लेना है। तो यहाँ पे क्या है, विभिन्न जो पाठ्यक्रम के क्षेत्र हैं उनमें शिक्षण के साथ कला का संयोजन, इसका सही उत्तर 4 होगा। कला विषय के रूप में यहाँ पर नहीं लेनी, समेकित कला है, ये विषय नहीं है, ये टेक्निक है, ये टूल है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 4। पहला, भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन गलत है। किसी एक विषय या भाषा के रूप में कला को नहीं बांधा जा सकता,
कम से कम एक कला रूप के विषय का गहन ज्ञान ऐसा कुछ नहीं है, विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। इसमें इसमें भी एक विज्ञान के अलावा कर दिया गया, जबकि कला किसी भी विषय में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी माध्यम में दिखाई जा सकती है। कला या समेकित कला एक विस्तृत नाम है, छोटा नाम नहीं। इसका नाम चाहे भले ही छोटा हो, लेकिन यदि अध्ययन करेंगे आप तो एक व्याख्यान है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? परीक्षा की एक पद्धति है? नहीं। शिक्षण शास्त्र का एक टूल है? यस, ये टेक्निक है। शिक्षण शास्त्र की एक टेक्निक है, शिक्षा विधि है, एक पढ़ाने का माध्यम है। लोक कला नहीं हो सकता है, परंपरागत कला नहीं हो सकता है। इसका सही उत्तर है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? जो कला समेकित गतिविधियाँ हैं वो अनुभव पर आधारित होती हैं। इससे पहले भी गतिविधि एक और तीन के जब उत्तर दिए तब भी उसमें ऐसा प्रश्न था, अनुभव आधारित अधिगम है। कला उतनी अच्छी होगी जितना आपको अनुभव होता जाएगा। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में आप जितने पारंगत होंगे, जितना आपको अनुभव होगा आप उतने ही अच्छे होंगे। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के विकास में सहायक है? यानी कि कला समेकित शिक्षा, क्वेश्चन पूरा करने के लिए आप पूरा कला समेकित शिक्षा समझें। कला समेकित शिक्षा मनोज्ञानात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन है, यस है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है। तो इसलिए सही उत्तर इसका चौथा होगा, यानी कि सभी। तो इसका सही उत्तर है चौथा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें क्या है। गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। सही बात है। कला समेकित शिक्षा यानी कि जो टेक्निक है, कला है, टूल्स है, इसके माध्यम से आप किसी भी विषय को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, साथ ही बच्चा भी उसे अच्छे से समझ सकता है। इसलिए इसका उत्तर है सही, जो बातें ऊपर लिखी हैं वो सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो सबसे पहले समझें कि विशेष ज़रूरत वाले बच्चे CWSN यानी कि चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं, यानी हम दिव्यांग कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आनंददायी अधिगम में कैसे लगाया जा सकता है? लिखने का अभ्यास करा करके नहीं हो सकता है। कला समेकित शिक्षा से हाँ, कुछ ऐसी टेक्निक्स आप पढ़ाइए उन्हें इंटरेस्टेड हों, और वो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में, जिस विषय में वो ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखाएं उसी में उनको बताइए। ऊंची आवाज़ में पढ़कर ऐसा कुछ नहीं है पाठ को याद करवा के, ये कोई विधियाँ नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? तो जो कला समेकित शिक्षा है उसके माध्यम से क्या अनुलाभव के लिए गतिविधियाँ, कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं, कला प्रतियोगिता की भावना, अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन। तो न तो केवल संसाधन की यहाँ पे बात की जा सकती है, न केवल अकादमिक क्षेत्र के लिए पढ़ाई करवा सकते हैं आप। कला प्रतियोगिता, केवल प्रतियोगिता के लिए, तब तो ये बात सिर्फ चित्रकला की हो गई है, जबकि समेकित कला चित्रकला नहीं है। कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं ये भी विषय से संबंधित इन्होंने एक को जोड़ दिया, जबकि इसका सही उत्तर है पहला, यानी कि अनुलाभव। किसी भी क्षेत्र में इसकी गतिविधियां कराई जा सकती हैं और शिक्षक इनमें कला समेकित शिक्षा का भाव विकसित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या, इसमें 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्न हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे।
यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही फिर बताना चाहूँगा कि जो अन्य मॉड्यूल हैं, चाहे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।